मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूँ। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपए अनुदान देने की नई योजना लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता की अगाध आस्था भाचा राम माता कौशल्या में है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडल महोत्सव का आयोजन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, अतः मैं प्रति वर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करता हूँ।